ये जो आपको दिया गया है सिस्टम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे जो एक्स है वो अलग थीटा के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, वाई भी थीटा के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो इसे हम कहते हैं दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कर्व है उस कर्व पे कोई भी पॉइंट आप लेते हैं, से क्यू पॉइंट लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स को भी थीटा कंट्रोल कर रहा है, थीटा जैसे चेंज करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा और वाई को भी थीटा ही चेंज कर रहा है, तो दैट इज अ सिंगल पैरामीटर विच कंट्रोल बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, दैट मींस थीटा इज अ पैरामीटर, इसीलिए ये फॉर्म कर्व की पैरामेट्रिक फॉर्म बोली जाती है। ठीक है, अब हमें तो डिफरेंशिएट करना है, डिवाइडेड निकालना है, तो x चूंकि थीटा का फंक्शन है तो हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा और माइनस d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा का फंक्शन है, तो यहां आ गया आपका माइनस साइन थीटा। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, लेकिन ये कॉस जो है 2 थीटा का फंक्शन है, तो यहां पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आउटर फंक्शन पहले आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, कॉस थीटा को, कॉस को डिफरेंशिएट करोगे, फिर किसको करोगे 2 थीटा को, क्योंकि 2 थीटा थीटा का फंक्शन है, तो ये सीक्वेंस है, मतलब थीटा की वैल्यू जब भी प्लेस करोगे तो पहले क्या ऑपरेट होगा 2 थीटा, और 2 थीटा जब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फिर वो कॉस ऑपरेट करेगा, तो आउटर फंक्शन कॉस है, जस्ट उसके बाद इनर फंक्शन 2 थीटा है जो थीटा का फंक्शन, तो ये सीक्वेंस होगा आपको डिफरेंशिएट करने का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन, लेकिन थीटा मत लिख दीजिएगा क्योंकि ये 2 थीटा का फंक्शन है, तो यहां पे 2 थीटा रहेगा, जो भी कॉस के अंदर लिखा हुआ है वो लिख देंगे, फिर क्या होगा किसको डिफरेंशिएशन होगा 2 थीटा का, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आपका 2 हो जाएगा, तो ये फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया इसका, तो माइनस कॉमन कर ली, माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो क्या लिखेंगे प्लस का 2 साइन 2 थीटा, तो ये आ गया आपका से फर्स्ट रिजल्ट विच इज dx बाई डी थीटा। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, y भी थीटा का फंक्शन है, ये हटा देते हैं हम लोग, y भी थीटा का फंक्शन है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। ठीक है, तो y भी थीटा का फंक्शन है, तो आप क्या करोगे इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ y, दैट इज d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, फिर ये अलग अलग हो जाएगा, तो d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, फिर साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन यहां फिर वही बात जो यहां पे चेन रूल लगाया था। ठीक है, तो यहां भी क्या है थीटा की वैल्यू प्लेस करोगे तो 2 थीटा ऑपरेट होगा, फिर आपका साइन 2 थीटा ऑपरेट होगा, इसका मतलब कि पहले आपका साइन साइन डिफरेंशिएट होगा और साइन डिफरेंशिएट होगा तो उसका क्या आएगा कॉस आएगा, अंदर जो भी है लिख दीजिए, फिर आपका क्या होगा 2 थीटा डिफरेंशिएट होगा उसका क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से ये सीक्वेंस है, चेन रूल है, आपने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ कॉस थीटा और माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा से दैट इज रिजल्ट नंबर 2, लेकिन ये आपका आ गया dy बाई डी थीटा। निकालना क्या था आपको, निकालना है आपको dy बाई dx, तो सिंस जो dy बाई dx होता है दैट इज dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई क्या होता है d थीटा होता है, और dy बाई डी थीटा आपका कितना आया सेकेंड रिजल्ट से cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ओवर, अब वहां पहला वाला रिजल्ट लिख लीजिए, चलिए पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं हम लोग, तो 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका dy बाई dx। अब यहां कुछ फर्दर सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश नहीं बचती है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से साइन थीटा तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन ऊपर से कुछ कॉमन ओमन हो ही नहीं रहा है, कॉस 2 थीटा जब भी वैल्यू रखोगे तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहीं पे आंसर हम छोड़ देंगे, दैट इज योर आंसर।